डिजास्टर गर्ल। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मार्वल की स्टोरी नहीं है, ना ही कोई डीसी की वीडियो है और ना ही कोई अपना बॉलीवुड का कैरेक्टर। दोस्तों ये है एक लड़की जो फेमस हो गई थी मीम से, गलती से कहें या फिर लक बोल लिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे जोई रॉथ की, जो जिसे लोग डिजास्टर गर्ल के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि आपने जरूर ये मीम देखी होगी, जहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी है कि एक घर में आग लगी है और वहाँ पर ये लड़की हंस रही है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में जोई रॉथ की, किसने ये फोटो खींची और क्यों वो हंस रही थी उस समय, सिचुएशन क्या थी कि वो इतना बड़ी मीम बन गई कि जो इनकी पिक है ये सोल्ड करी गई है NFT में $500,000 में। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी फेमस हुई थी कि इतनी एक्सपेंसिव बिकी है। तो दोस्तों हम बात करेंगे पूरी स्टोरी की। तो क्या है स्टोरी, कौन है ये, तो ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। इसी के साथ शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी है 2005 की, जब जोई रॉथ 5 साल की थी। तभी क्या होता है कि उनके घर के पास में ही एक जगह आग लग जाती है और वहां पर सायरन बजने लग जाते हैं फायर अलार्म्स के। ये देखते ही हुए वो घर से बाहर निकलते हैं। जोई रॉथ अपने पिताजी के साथ, जिन्हें फोटो खींचने का भी शौक था, वो अपना कैमरा उठाते हैं और उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर आग लगी थी। एक्चुअली दोस्तों जब यह आग लगी थी, ये आग नहीं लगी थी, ये जो हाउस ओनर था उसने फायर डिपार्टमेंट को ये टेस्ट करने के लिए दिया था, क्योंकि वो क्लियर करना चाहते थे यहाँ पर लैंड को। तो उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को दे दिया था कि आप यहाँ पर इसे जला सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटो में लोग रिलैक्स्ड हैं, ज्यादा वो हड़बड़ा भी नहीं रहे और फायर डिपार्टमेंट भी बैठा था आराम से, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं थी। जो ही रहो तो उनकी फैमिली को पता नहीं था कि ऐसा कुछ है और ना ही उनके पिताजी को पता था, और यही वो कारण था कि उनके पिताजी फोटो लेने लगे। दोस्तों जो ही रोड के पिताजी जेपेग मैगजीन के भी बहुत बड़े शौकीन थे, और इसलिए वो कारण था कि वो फोटोज भी खींचते थे मैगजीन के लिए। तो अचानक क्या होता है, तभी जोई के पिताजी उसे हंसने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर वो फोटो खींच रहे थे पीछे जलते हुए घर के, और यहाँ पर यही वो कारण है कि जोई यहाँ पर स्माइल कर रही थी इस पिक में। तो दोस्तों फिर बात आती है 2008 में, जब जेपेग मैगजीन में जोई की फोटो लगी थी जो उसके पिताजी ने 2005 में खींची थी। तो जोई ने पता करा तो पता लगा कि उनके पिताजी ने सबमिट करी थी जेपेग मैगजीन में अपनी इस फोटो को एक फोटो कंपटीशन के लिए। इस वक्त जोई सेकंड ग्रेड में पहुंच चुकी थी और लिटरली पूरे वर्ल्ड में वायरल हो चुकी थी। आज भी आप देख सकते हैं इसे काफी जगह रेफरेंस करा जाता है फॉर बीइंग अ इविल स्माइल। ये बात अलग है कि अगर आपको पीछे बैकग्राउंड पता है क्या सीन था, क्यों हंस रही थी, मे बी डोंट थिंक कि इतना इवल है, बट या एट द फर्स्ट लुक आपको जरूर ये इवल लगा होगा। तो दोस्तों ये स्माइल इतनी फेमस हुई थी, लोगों ने इसे फोटोशॉप करने लग गए, जोई की फोटो अलग अलग जगह लगाने लग गए, चाहे वो हिटलर को रेफरेंस, चाहे किसी और डिजास्टर, चाहे डायनासोर्स हो गए। तो जहाँ पर भी डिजास्टर्स हो रहे थे वहां पर जोई को रेफरेंस करने लग गए, उसके स्माइल को रेफरेंस करने लग गए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी डिजास्टर गर्ल के मीम के फेमस होने की, जिसने उन्हें इतना फेमस बना दिया कि उनकी जो NFT में सेल हुई है फोटो वो हुई है $500,000 की। तो दोस्तों ऐसी स्टोरीज के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए ज्ञान और ज्ञानी। और हाँ दोस्तों एक बात बोलनी है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।